साथियों, दिल्ली, हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली, आज त्योहारों का सीजन है दिल्ली। और त्योहारों के सीजन में जो आम जनमानस है, जिसने दिल्ली के आम शहरी ने कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत खराब हालात को भुगता है, बड़ी संख्या में हमने दिल्ली के नागरिकों को कोविड-19 की दूसरी लहर में खोया, और सरकारें सिर्फ आंकड़ा पेश करती रहीं और सरकारों के आंकड़ों के अनुसार ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी दिल्ली, ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई दिल्ली। अब जब कोविड-19 के दूसरी लहर की इस भयानक डर और भयानक माहौल से दिल्ली के लोग अपने आप को निकाल कर, उबार कर, अपने आम जनजीवन को सेटल करने में लगे हैं, अपने परिवार के बीच जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया, उस दर्द को कम करते हुए, उस पीड़ा को कुछ समय, जो थोड़ा थोड़ा उस पीड़ा को कहीं ना कहीं कुछ कम शायद कर पाए, वैसे तो जाने वाले की कीमत, उसकी कोई मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होती है और उसका परिवार उस कीमत को समझता है, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, कोशिश करते हैं, अपने कारोबार को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में दिल्ली में डेंगू की बहुत भयंकर मार दिल्ली में आज चल गई। डेंगू एक ऐसी बीमारी के रूप में दिल्ली में आया जिससे लगभग हर दूसरा तीसरा घर, उसमें कोई ना कोई मरीज डेंगू से पीड़ित नजर आ रहा है। अब कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में बड़ा आसान है, अगर दिल्ली सरकार से पूछे कि जिम्मेदारी आपकी है साहब, क्या है, क्यों डेंगू इतना दिल्ली में फैल रहा है, दिल्ली के आपने क्या एक्शन प्लान डेंगू के लिए बनाया था, कहाँ आप खड़े हैं, वो कहते हैं साहब हमारे नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के नागरिकों का भी जीने का हक है। आप मानवीय सोच के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ सरकारें चलती हैं, इस सरकार में तो मानवीय संवेदनाएँ नज़र नहीं आ रही, आंकड़ों का खेल है। पहले ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। दिल्ली के डेथ टोल कोविड-19 में कितना हुआ, इसके आंकड़े आज तक सत्यता की उससे परे हैं। जो आंकड़े दिल्ली की सरकार ने दिए, दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके शमशान घाट का जो देखभाल जिसकी करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दूसरे आंकड़े दिए, उसमें कई हजार डेथ का अंतर। तो क्या एक इंसान की जान की कीमत को सही आकलन भी आप नहीं कर सकते? वो मिसमैनेजमेंट जो तब भुगता, वही डेंगू में नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में, उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उन्होंने कहा कि किसी तरह की बेड की कमी नहीं है, दिल्ली में पर्याप्त बेड भी हैं। दिल्ली में उनके अनुसार दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली में किट भी पूरी हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये पंजाब केसरी दैनिक अखबार है दिल्ली का, ये अखबार कह रहा है अंबेडकर अस्पताल के डेंगू वार्ड में 46 बिस्तर पर 160 मरीज। ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली की कांग्रेस नहीं कह रही, ये जागरूक पत्रकारों की मदद से ये आंकड़ा सामने आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ये दूसरा आंकड़ा है डेंगू के बढ़ते मामलों से फुल हो रहे अस्पताल। आप दिल्ली की जो आबादी है उसके अनुपात में जो आपने एक्शन प्लान में काम करना चाहिए था, सरकार उसमें फेल रही है।